हाईकोर्ट में 27% आरक्षण पर रोक लगने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। 19 संगठनों ने ओबीसी वर्ग के इस बंद को समर्थन दिया है। अंबेडकर मूर्ति के सामने प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ओबीसी वर्ग के लोगों ने कहा कि अगर 27% आरक्षण नहीं दिया गया तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 57% की बड़ी आबादी है ओबीसी, ऐसे में 27% आरक्षण का हक हमारा है। एक बड़ा ऐलान आज आप लोगों ने किया है महाबंद का, किस प्रकार से यहाँ पर सफलता उसमें मिल रही है? इतना बड़ा समाज जो ओबीसी 85% समाज में मौजूद है, अगर आप उनके अधिकारों की अनदेखी करोगे तो ये समाज कब तक सोए रहेगा? इसे आज निकल रोड पे तो आना ही था। ये अच्छा की शुरुआत आज से हुई है, अगर इसको यथावत लागू नहीं किया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर उग्र आंदोलन होने की भी आशंका है, क्योंकि ये समाज अब सोने वाला नहीं है। जब तक सो सकता था तब तक सो लिया, अब जागा है तो समझिए कि आंदोलन चलता रहेगा। 27% सरकार ने खुद किया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट में उसको चुनौती दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इनको जब अपने 10% के लिए इन्होंने नहीं कोर्ट में लगाया, नहीं वो किया, तो इनको 27% के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इनकी संख्या 52% है और कायदे से मिलना चाहिए। और जो भी यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी है, इनका जो अनुपात है उनके अनुपात को देख बाकी चीजें खत्म करें, झगड़ा क्यों आगे वो कर रहे हैं? रिचि रहेगी आगे क्या? इसके बाद में जो है जी समस्या हल नहीं होती तो कंटिन्यू जो है धरना चलता रहेगा। धरना इसके लिए जी समस्या नहीं होती तो पुनः जो है छत्तीसगढ़ बंद करवाया जाएगा। इससे भी सफलता नहीं मिलेगी तो इसकी आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। आरक्षण जो है हमारा प्रतिनिधित्व है और हम अपना प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष की बात ही नहीं है। तो ये पूरा बंद ओबीसी आरक्षण मंच के द्वारा बुलाया गया है, लगभग 18 संगठनों का समर्थन इस महाबंद को है, और अभी जिस तरीके से उनका कहना है कि इस प्रकार से सरकार ने 27% आरक्षण किया लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया है, जिसके बाद लगातार ओबीसी वर्ग के लोग इस आरक्षण की कटौती को लेकर विरोध करते नजर आए। और भविष्य से भाजपा